रविवार की सुबह होते ही बॉलीवुड के भाई जान सुर्खियों में आ गए हैं। उनके घर के बाहर दो लोगों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। हमलावरों ने सलमान खान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हवा में 3 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। इस खबर से सलमान के फैंस हैरत में पड़ गए। अब इस मामले पर सलमान खान के पिता सलीम खान ने अपना बयान दिया है। फायरिंग की इस घटना पर सलमान खान ने तो फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन उनके पिता सलीम खान ने इस घटना पर एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि बताने के लिए कुछ नहीं है, हमला करने वाले सुर्खियों में आना चाहते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। ये खबरें कई बार सामने आती रही हैं कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक्टर को कई बार जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। इससे पहले राहुल कनाल जो कि भाईजान के करीबी दोस्त थे, सलमान खान के बारे में अपडेट शेयर किया था। पेपराज़ी ने राहुल से गैलेक्सी अपार्टमेंट से बाहर निकलते समय पूछा था कि अभी भाई कैसे हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि दुआ है ऊपर वाले की, भाई सब अच्छे हैं। अब संदिग्ध शूटरों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। रविवार सुबह करीब 5 बजे एक्टर सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर 2 अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी थी। पुलिस को 3 राउंड फायरिंग की जानकारी मिली है। अब केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। सलमान खान अक्सर अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट में बालकनी में देखे जाते हैं। इस बालकनी पर भी फायर किया गया है। बालकनी पर गोली के निशान फोरेंसिक टीम को मिले हैं। पुलिस को जो सीसीटीवी हाथ लगा है उसमें आरोपी ने चेहरे को कवर किया हुआ है, जिससे उसे पहचानना मुश्किल है। मुंबई पुलिस को एक सीसीटीवी मिला है, लेकिन इमेज धुंधली है। पुलिस अब इलाके के आसपास अन्य सीसीटीवी फुटेज को देख रही है। वहीं अगर फायरिंग की बात करें तो फायरिंग की इस वारदात के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी सलमान से फोन पर बातचीत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वारदात रविवार सुबह 5 बजे के आसपास हुई थी। फिलहाल मुंबई पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मामले में ताजा अपडेट ये है कि पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमला करने वालों को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। बता दें कि सलमान खान को कई बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था खतरे में है। ऐसी तमाम देश दुनिया की खबरों भी देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। रविवार की सुबह होते ही बॉलीवुड के भाई जान सुर्खियों में आ गए हैं। उनके घर के बाहर दो लोगों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। हमलावरों ने सलमान खान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हवा में 3 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। इस खबर से सलमान के फैंस हैरत में पड़ गए। अब इस मामले पर सलमान खान के पिता सलीम खान ने अपना बयान दिया है। फायरिंग की इस घटना पर सलमान खान ने तो फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन उनके पिता सलीम खान ने इस घटना पर एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि बताने के लिए कुछ नहीं है, हमला करने वाले सुर्खियों में आना चाहते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। ये खबरें कई बार सामने आती